हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारे न्यू चैनल रेसू की रसोई में आपका स्वागत है। तो आज मैं लेके आई हूँ सूजी की सब्जी। देखिए कैसे बनते हैं सूजी की सब्जी। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं सूजी की सब्जी कैसे बनती है। और हाँ, आप हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें। तो आइए दोस्तों, देखते हैं कैसे बनता है हमारा सूजी का सब्जी। सबसे पहले हमें सूजी लेनी है, फिर दही, धनिया, जीरा का पाउडर लेना है, फिर हल्दी पाउडर लेना है, लहसुन, हरा मिर्च। हमने यहाँ पे 250 ग्राम सूजी ली है, आप अपने अनुसार ले सकते हैं। यहाँ पे हमने 250 ग्राम सूजी ली है और सूजी में हम अब इसमें दही डालेंगे। दही डालने के बाद अब हम लहसुन, हरा मिर्च का पेस्ट डालेंगे, फिर हल्दी 1 चम्मच, धनिया जीरा का पाउडर, नमक, नमक अपने आवश्यकता अनुसार स्वादानुसार आप डाल सकते हैं। अब हम इसे मिक्स करेंगे। हम यहाँ पे छाछ यूज कर रहे हैं पतला करने के लिए, थोड़ा सा ज़्यादा मोटा है। तो मिक्स होने के बाद देख लीजिए कितना प्यारा दिख रहा है। तो यह हमारा पेस्ट तैयार हो गया। जब यह पेस्ट हमारा तैयार हो जाए तो हम इस पेस्ट को ऐसे ही रख देना है ढक करके। इसके बाद हमें कढ़ाई लेनी है। तेल डालने के बाद तेल जैसे ही गर्म हो जाए तो हमें छोटा छोटा गोला बना करके तेल में डालेंगे तलने के लिए। जैसे हम बिल्कुल प्याज का या किसी भी चीज़ का पकौड़े बनाते हैं, बिल्कुल वैसे ही हमें इसे तल लेना है। पकाते रहेंगे अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से पक जाए, फिर से हम निकालेंगे। कढ़ाई लेंगे, फिर उसमें तेल डालेंगे, फिर उसमें जीरा डाल देंगे। जीरा के बाद हम इलायची डालेंगे। आप इलायची बड़ी वाली या छोटी वाली कोई भी यूज़ कर सकते हैं, हम यहाँ पे छोटी वाली इलायची यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद से लहसुन का पेस्ट डालेंगे और सारी चीज़ें डाल करके इसे हम पकाएंगे। ऐसे ही पकाते रहेंगे जैसे कि जब तक प्याज सुनहरे रंग की ना हो जाए। प्याज जब सुनहरे रंग की हो गई है, इसके बाद हम इसमें टमाटर डालेंगे। जब टमाटर पक जाए, इसके बाद हम इसमें हल्दी, जीरा, मेथी, इन सब चीज़ों का पाउडर डाल देंगे इसमें, हल्दी, धनिया, जीरा और इसे पकाएंगे। जैसे ही थोड़ी सी पानी में उबाल आने लगे, हम इसमें कश्मीरी मिर्च डालेंगे। कश्मीरी मिर्च डालने के बाद फिर इसमें हम अब बनाया हुआ अपना सूजी का पकौड़ा डालेंगे। सूजी का पकौड़ा डालने के बाद उसे अच्छी तरीके से उसमें भिगो दें। बिल्कुल देखने से ही मुंह में पानी आ जा रहा है, बिल्कुल टेस्टी है ये। आप एक बार घर पर बना कर तो देखिए, बहुत ही टेस्टी है। तो हो गया तैयार हमारा सूजी का सब्जी। थैंक यू दोस्तों।